हद है यार, इलायची बुरा मत मानना, लेकिन सच में ना आपके मामा बहुत बड़े वाले भूत हैं। बताओ यार, उसके वो खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया, अब मरा जा रहा खुजला खुजला के। लो जीजाजी पे खुजली वाला पाउडर छिड़कने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे यार, आप लोग यहाँ पर सेल्फियां ले रहे हैं, आप लोग इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं कि नहीं? हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बिगाड़ा है यार हमने मामा जी का। कल रात से खुजला रहे हैं यार, पूरी पूरा बदन लाल हो रखा है हमारा। पहले हमारी टांगे तोड़ दी, उसके बाद हमारे ऊपर खुजली वाला पाउडर डाल दिया, हम क्या इंसान है कि? मामा का ना दिमाग ही खराब हो गया है, आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो यार क्या कर दिया उन्होंने, मुझे भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है अब। अरे यार इलायची जी, गुस्सा आने से कुछ नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं, छटंकी मामा ना हमें अपने साथ ले जाएंगे हनीमून पे जबरदस्ती, पर उसके बाद आप क्या, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बता रहे हैं हम आपको। यार तो मैं क्या करूं, मेरा हर फेंका हुआ तीर ना ऐसे लपक के पकड़ लेते हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? क्या क्या आप क्या करोगे, आप क्या कर लोगे? बुरा मत मानना इलायची, लेकिन सच बता रहे हैं, आपके घर में ना हर आदमी चंट है। सही बात, सही बात। अरे छोड़ो ये सब यार, मुझे तो ना बस एक ही चीज का सोच सोच के बहुत डर लग रहा है कि जब चीची और मामा हनीमून पे जाएंगे तो उसके क्या नजारे होंगे। अरे यार ये क्या बोल रही हैं आप सुनीता जी, ऐसे नजारे क्यों देखने हैं यार आपको, अपने माइंड में मत लाइए ये सब, और प्लीज कुछ करिए, वरना वो छटंगी मामा के साथ हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता, हम बता रहे हैं आपको। अरे आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कि मैंने तो मतलब बहुत बार उनका ये वाला अवतार देखा है ना, पहली बार देख रही हूँ। अरे तो इलायची जी, हमने कौन सा हजारों बार देखा है यार, हमें भी देख के उतना ही डर लग रहा है जितना डर आपको लग रहा है यार। और इलायची जी, वो हमें इस उम्मीद से देखते हैं ना, कभी कभी हमें डर लग रहा होता है कि कहीं हम सच में उम्मीद से ना हो जाए। नहीं यार, मामा ने ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया, मतलब आपकी टांगे तक तोड़ दी हैं, और अब मैं आपकी हेल्थ के साथ और रिस्क नहीं ले सकती हूँ, प्लीज। एक मिनट, क्या कहा आपने? हमारी टांगे। इलायची जी, हमें आइडिया मिल गया, अब आप देखिए कैसे टेढ़े आंगन में ना आपके मामा को नचाते हैं। पिट्टू तो तैयार है? मैं तैयार हूँ, बता अभी पिट्टू तो जाएंगे। साले कहाँ से लेकर आए, बदबू आ रही है। अरे चुपचाप पहन ले। और जी बता, खाली टांगे तोड़नी है कुछ और भी? मैं पैर तोड़ने बस, क्या कुछ और, पागल है क्या साले? अच्छा, अरे हम तो कहते पूरा सिस्टम ही तोड़ देते हैं। पिंटू साले, ओए, आ क्या क्या क्या? अरे जीजी ने मुझे पैसे दे के मेरा दिन बना दिया, भगवान करे ऐसी जीजी सबको दे। यार कितनी प्यारी जीजी तुझे छटंकी मिली, क्या बताऊं मैं तो। अरे भैया, जीजी कौन है तुम लोग? अरे ये बताना होता तो ये मास्क का है पहन के आते बुढ़बक। जे भी सही है, सही से याद आया, मैं तुम लोगों को बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए कि मैं भी तुम्हारी बिरादरी से हूँ यार मेरे। बताओ मसाफा। अरे बिरादरी गयो तो फूफा लगा तो कहा मेरे, बिरादरी गई भार में, हम तुम्हें ऐसो कूटेंगे कि तुम किसी लायक रहोगे ना। बहुत सही आदमी को पकड़ो, मैंने बहुत सही आदमी पे हाथ डालो। अरे मेरा भैया, तुम अभी मुझे जानते कहाँ मेरा भाई, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जेल में तो बाहर हो गए, तो बहुत कूटूंगा मैं तुम्हें, बता रहे हूँ बहुत मारूंगा। हमारी तरफ देखो, हम क्या कह रहे हैं भैया, हम जेल जाने वालों में से नहीं है ना। कहा कि हम जो कांड करते ना उसके पीछे कोई सबूत ना छोड़ा था, चाहे कुटाई हो चाहे सुताई हो चाहे लुटाई हो, आ समझे? अरे मेरा भाई तो मैं भी जानता हूँ अच्छी तरीके से, वो देख हाथी उड़ गया, वो देख वो देख वो देख। अरे भैया, अरे हमरा बेवकूफ बना रहा था हमका, दिन में तुम हाथी उड़ता हाथी दिखा रहा था। ए बड़े छोटे मर साले को। अरे भैया, अरे अरे भैया, भैया
हनी नखेली ना साले साले अब जा लंगड़ी खेलने जाके हनी मून पे मार मार वा चलो चलो भाग 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 अरे अम्मा क्या हुआ चोट कैसे लगी कुछ ना जी जी किसी ने बिना बात धो दिया मुझे बिना बात के ना तू समझ ना रहा है तू बहुत लोगों के आंखों की किरकिरी है चुभता हुआ कांटा है मुंह का छाला है और तेरा मुंह काला है जीजा बेइज्जती तो हमारी इज्जत के साथ कर लिया कर कैसा आदमी तू है छट्टू ये क्या हुआ छट्टू छटंकी मामा ये क्या हो गया है किसने मारा आपको यही पहली तो पूछ रहे हैं जिसने भी मेरे भाई को पीटा है ना उस नाश पीटे का सत्यानाश हो उसके कीड़े निकले और कक्के नीचे आ जाए एक सेकंड एक सेकंड अब लिस्ट बना के गालियां दोगी क्या मम्मी शांति रखो मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मामा को ना रेस्ट करना चाहिए ना कि हनीमून पे जाना चाहिए बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है पैर भी तो काटना पड़ सकता है ना छट्टू नहीं मेरा मतलब है कि इन्फेक्शन हुआ तो पैर भी काटना पड़ सकता है हाँ इलायची सही कह रही है छटंकी भैया देखो पैर सलामत रहेंगे तो कभी भी जा सकते हैं ना अब छट्टू आंटी जी ना बिल्कुल सही कह रही हैं अभी ना हमें हनीमून मनाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए अभी तुम्हारी टांगे टूटी है ना तुम्हारी टांगे टूटी है तो तुम खड़े कैसे होगे अगर खड़े नहीं होगे तो मुझे गोदी में कैसे उठाओगे और अगर मुझे गोदी में नहीं उठाओगे तो बस बस हो गया बाबा इससे आगे ना अरे मेरी बच्ची खड़ी है सामने मेरी बच्ची खड़ी है कुछ कुछ तो ख्याल करिए आप है 6-7 महीने बाद चले जाइए भैया बच्चा भी साथ दे दीजिए चलो तो फिर फाइल हो गया ना छटंकी मामा बाद में हनीमून पे जाएंगे छटंकी भैया मैं ना तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ हाँ एक मिनट पहले सबने अपने मन की किसी ने ये ना सोचा कि छटंकी के मन में क्या चल रहा है के जी एक बात बताऊं मैं तुम्हें मैं बुजदिल लोगों में से ना हूँ तू घटिया लोगों में से जीजा मैं उन लोगों में से ना हूँ जो अपना टांग आगे बढ़ाते हैं अबे टांगे होंगी तभी तो आगे पीछे कर पाएगा बात कर रहा है बेकार की तो सुनो चाहे घुटनों के बल जाना पड़े चाहे मुंह के बल जाना पड़े छटंकी हनीमून के लिए तो जरूर जाएगा सुनो ना बीबी काम करो बैग बांधो अपने कल हम लोग हनीमून के लिए निकल रहे हैं अपनी टूटी टांगों के साथ हम दोनों एक दूसरे का सहारा भी बनेंगे यू कैन गो अरे यार ये मामा भी ना कितने जिद्दी हैं मतलब अब प्लान बी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में टंटे हो रखे हैं मामा की समझ गए आप लोग हट पे हट हाँ संजना जी मैं क्या कह रहा हूँ जल्दी से खाना खा लीजिए उसके बाद 10 बजे का फिल्म देखने का प्रोग्राम है हमारा आपके साथ खाइए खाइए तेरी तो फिल्म मैं बनाती हूँ अभी नहीं वो दरअसल क्या है ना मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ना मेरा कुछ और ही प्रोग्राम है संजना जी अगर ऐसी बात है तो मैं अपने हाथों से आपको खिला दूं अबे सुन छटंकी संजना कोई जो है चिड़िया ना है जो अपने हाथ से दाना मुंह में डालेगा इसकी चोंच में समझ गया और कोई गाय भी ना है कि अपने हाथ से रोटी खिलाएगा अपने हाथ से खा लेगी ना वो अरे जीजा तू तो रहने दे तुझे क्या मालूम प्यार की भाषा क्या होती है पटर पटर बोल रहे बीच में चुप हाँ हम तो जानते ना प्यार की भाषा क्या होती है ना इलाइस जो है वो तो हमारे नफरत का नतीजा है बात कर रहा है बेकार की वो बंद रख वरना दूंगा एक अभी घुमा के तेरे गाल पे अरे आप लोग फिर से शुरू हो गए यार अरे संजना बेटा तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो भूख नहीं है क्या अरे संजना बेटा अभी सेब थोड़ी ना काटनी है बैठ बैठ एक मिनट आंटी एक मिनट फड़ो जरा कैसी बातें कर रही है
संजना बेटा तू भी ना एकदम बच्ची है बिल्कुल है बेटा ये बच्चों खेलने की चीज ना है अगर कहीं लग गई ना तो खून निकलेगा हाँ। खून तो ना मैं निकालूंगी तुम सबका खड़े 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 वो प्यार वो सब कुछ बेकार था हाँ प्यार चाहिए यार चाहिए प्यार चाहिए यार चाहिए अलमन सजना तुम दूल्हा लूट गैंग की हो ना तो दूल्हा लूट का माल समझ के इस दूल्हे को ले जाओ बस मुझे कोई फर्क ना पड़ता इससे हाय राम पर भाई को दांव पे लगा दिया मेरे तो भागे फूट गए जी जी हमने आपको ये घर दिया रहने के लिए छत दी आपको शर्म नहीं है आपने इसके बदले में हमें ओ गॉड मेरे साथ ना ज्यादा ना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है मैं सब जानती हूँ तुम जैसे लोगों के बारे में अच्छा खासा एक लड़का काम करता था ना यहाँ पे पंचम नाम तो उसको तो नौकरी से निकाल दिया और हम जैसे चोर चक्कों के यहाँ पे रख लिया है अब क्यों रो रहे लाइन में बंद करते सबको निकाल चलो खोपड़ी उड़ा देने आवाज निकाली तो क्या सारा मोटा दो रुपए साले दो कौड़ी के इंसान तू जेब में दो रुपए लेकर घूम रहा है और शादी करेगा मेरी बहन से तेरी संजू निकालो पंगा निकालो जल्दी टर्न ना चल संजू हो गया अपना काम साले देख ले जी जी मेरी संजना चली गई मैं संजना नहीं मैं संजय हूं बताना भूल गया था मैं टंटे हो रखे छटंकी मामा की ओह अरे रे कब्ज हो गया है प्रेशर ही ना बन गया है हाँ भाई सेठ जी क्या हो रहा है मतलब नया वाला नौकर भी जूता सुंगा गया पिंकी जी पूछ रहे हैं दरोगा जी ऐसा FIR लिखो बस मजे बाद में ले लियो ना ना जेठ जी पिंकी जी मजे ना लेते हैं मतलब पिंकी जी को ना ऐसे किसी की सुलगते उस पे ना पापड़ सेकने की आदत ना है ना तो भुट्टा सेकने की आदत है सेठ जी पिंकी जी ने पहले ही कहा था पुलिस वेरिफिकेशन करा लो उसके बाद नौकरी में रखो पर ना पिंकी जी नोटिस कर रही है
लोग भी ना आजकल कांड हो जाने के बाद पुलिस की बात को गंभीरता से लेते हैं ना। पता थोड़ा ही था हमें। पापा आप अकेले दुकान संभालोगे क्या आज? नहीं नहीं नहीं, मैं ना आपके साथ दुकान संभाल लेती हूँ, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया बात है। एक काम करता हूँ बेटा, मैं दुकान पे गाय भी पाल लेता हूँ। गाय क्यों? क्योंकि जब तू दुकान पे ना होगी तो मैं उसे ही इलायची इलायची कह कर बुला लूंगा। वेरी फनी 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 है। वेरी फनी। नमस्ते। नमस्ते सर जी, प्रणाम। तू क्या कर रहा है टंटन यहाँ पे? अब सर जी, हम आपसे माफी मांगने आए, ना आपकी बेटी इलायची जी पर हमने कत्ल का इल्जाम लगाया, सॉरी सर जी। अपना सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि आप लोग ना पहले अपना मामला सुलटा लो, हैं? पिंकी जी बाद में आके एफ आई आर लिख लेंगे। पिंकी जी कौन सा भागे जा रही है, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, ठीक है? हाँ भाई, चलो बाय बाय। अबे सुन टंटन, मैं तुझसे एक मिनट बात ना करना चाहता हूँ बस। अब सर जी, ये दुकान का क्या हाल बना रखा है आपने सर जी? एक सेकंड, एक सेकंड बुबू, जरा आराम से जाओ। एक सेकंड, चलो सर जी। ये सर जी, आपने तो दुकान का पूरा सिस्टम बदल दिया। अब बुबू एक काम करो, इधर आओ, जल्दी आओ। आ गए आ गए। हाँ, ये जयपुरी लहंगा नीचे रखो और वो सिल्क वाला लहंगा ऊपर रखो। जल्दी करो बुबू, तेजी से वो वाला ऊपर रखो बीच में। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। और ये कैलकुलेटर यहाँ पे क्या कर रहा है बुबू? उस कैलकुलेटर को उठाओ, यहाँ पर रखो। और ये क्या है सर जी, हिसाब किसने किया है? किस गधे का काम है ये क्या किया हुआ है? अरे वो संजीव था ना मनहूस, वो बना के गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सेठ जी, हम सब कुछ ठीक कर देते हैं। बबू एक काम करो, तुम जाके वो लहंगे फोल्ड करो, हम ये तब तक निपटाते हैं, हम दुकान संभालते। रुकिए आप, अब संभाल के संभाल के। पापा देख रहे हो कैसे अपनी दुकान की तरह ही सारा काम संभाल रहे हैं जीजा जी। ये वाला लहंगा ले लो, कितनी परवाह करते हैं आपकी। ये वाला कर लो, देखो ना इनको देख के ऐसा लग रहा है कभी गए नहीं थे यहाँ पे। अरे आपको भी तो अच्छा लग रहा है ना इनको ऐसे काम करते हुए देखकर। ऐसा कुछ ना है। सुनिए सुनिए सर, आपके पेट में जो गुड़गुड़ हो रही है उसका क्या? अभी टाइम आ जाएगा पेट हल्का करने का, फिर क्या करोगे? कम ऑन यार, ये बच्चों की तरह ना जिद छोड़ दो, माफ कर दो, कर दो ना माफ। मैं जानती हूँ आपको चीजा जी की और चीजा जी को आपकी जरूरत है, कर दो ना, मान जाओ ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे मान जाऊ, तू बता कैसे मान जाऊ, तू बात कर रही है बेकार की। मिसेस पंचम ने मुझे कुत्ता कहा, कुत्ता कैसे मान जाऊ मैं? सर जी देखो, मैं मानती हूँ मैंने ना गुस्से में आपको बहुत भला बुरा बोला, लेकिन कुत्ता ना कहा मैंने आपको। एक मिनट, बिल्कुल झूठ बोलने की जरूरत ना है। मैंने वीडियो पर देखा था कि आप मुझे कुत्ता कह रही थी। सेठ जी जरूरी नहीं कि आंखों देखा सच्ची हो, आंखों देखा भी झूठ होता। दरअसल क्या ना, जब इलायची जी से हमारी गर्मा गर्मी चल रही थी तो वहां उनके पीछे कुत्ता खड़ा था, मैंने कुत्ते से कहा कुत्ता। सेठ जी अगर आपको कहना होता तो मैं सियाल, लकड़बग्गा, भेड़िया कुछ भी बोलती, लेकिन ये सब तो जंगल में होते हैं, पहाड़गंज में तो बस कुत्ते टहलते हैं। नहीं मतलब फिर भी सेठ जी, अगर आपको लगता है कि हमने ऐसा बोला तो हम ना आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। लेकिन मुझे तो पूरी तरीके से लग रहा था कि आप मुझे कुत्ता कह रही हैं। ना सेठ जी। पापा गुस्से में हर बात जो बोली जाए ना उसको ऐसे दिल पे लगा के नहीं बैठते हैं। और याद है एक बार तो मम्मी ने भी आपको कुत्ता बोला था। तो उसने प्यार से कहा था। और कहा था ना कुत्ता, तब तो आपने बात करना भी बंद कर दी थी मम्मी से। अबे टंटन। सर जी पंचम,
अबे टंटन हो या बनबन हो मैं कुछ ना जानता, मैं सिर्फ जो है वो इलायची के कहने पे तुझे वापस नौकरी पर रख रहा हूं बस। अरे वाह सेठ जी, सॉरी ज्यादा रिश्तेदारी निभाने की जरूरत ना है करने की, तेरी तनख्वाह उतनी रहेगी जितनी पहले थी, उसमें 1 रुपया ज्यादा ना बढ़ाऊंगा मैं, समझ रहा है तू? बिल्कुल सेठ जी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब भूलना भी ना चाहिए तुझे। पापा, you understand? एक मिनट, प्रेशर बनने आया है, मुझे लग रहा है मेरे कब्ज खत्म होने के दिन आ गए। चल हट, अरे नहीं, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। ऐसी दुकान है, दुकान है, क्या करेंगे आप? तो बड़ी खुश हो जाएगी।